Hello everybody, good afternoon and welcome back to the YouTube channel of UGC NET JRF and myself Toshiba Shukla. I welcome you back to this session. This session, it is of paper 1 UGC NET as you know, and aaj ka jo topic hai wo hai computer memory organization. So main comments pad rahi thi, I saw many of you were discussing ki ye kaun se unit ka hai. So okay, this is ICT. Information Communication and Technology, it is a very important unit in your paper 1. So इसमें आपने सुना होगा RAM, ROM, hard disk drive, floppy, CD क्या होता है. So आज हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से. जल्दी से आ जाइएगा. हाय अंजलि, सोना, अरुणा, दीपिका, दीपशिखा, everyone, so many of my regular students as well, and of course to the new people who join us lately, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. So जल्दी से आ जाइएगा and please quickly tell me whether the voice, video and PPT are fine. आपको बढ़िया से सुनाई दे रहा है, PPT अच्छे से दिख रहा है. Also before I start with the session, please guys like and share it. एक बार लाइक कर दीजिएगा स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि क्लास में हम ज्यादा खो जाएंगे तो हम लाइक करना भूल जाएंगे. आई एम प्रीटी श्योर बिकॉज इट हैज टू बी लाइक दैट ओनली. पढ़ाई जब करते हैं इतनी ही इंगेजिंग पढ़ाई होनी चाहिए. ठीक है, थैंक यू सो मच शबनम, आप हमारी क्लास का वेट करती हैं. सेम इट इज लाइक वाइज, इवन आई वेट फॉर यू गाइज. सो बिफोर दैट, बिफोर आई कैन स्टार्ट विद माई मेन टॉपिक, लेट्स क्विकली सी आज का थॉट फॉर द डे क्या है. एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, जस्ट एज यूट्यूब हैज इट्स ओन एल्गोरिथम एंड शोज यू द मोर ऑफ वॉट यू आर इंटरेस्टेड इन. आप जानते हैं यूट्यूब में, फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रेड अप में मेरा कोई एक लेक्चर देखा, आपको यूट्यूब सजेशन में मेरे और लेक्चर्स के बारे में बोलेगा कि यू कैन एज वेल सी दैट, यू कैन एज वेल सी दीज क्वेश्चन, यू कैन एज वेल सी अ लेक्चर ऑन SDD लाइक दैट. सिमिलरली हमारी जो यूनिवर्स है उसका भी एक एल्गोरिथम होता है. एल्गोरिथम मतलब आप समझते हैं, एक गणित होती है, एक लॉजिक होता है. क्या होता है कि वॉट एवर इट शोज यू वॉट यू आर थिंकिंग, फीलिंग एंड टॉकिंग अबाउट. सो वॉट एवर यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, आप जो सोचते रहते हैं पूरे टाइम, आप जो जिसके बारे में बात करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ यू आर फीलिंग. अगर आप हैप्पी फील करेंगे, इफ यू आर कंटेंटेड विथ योर लाइफ, अगर आप होपफुल फील करेंगे, सो यूनिवर्स भी आपको वही बताएगी. सो जैसे कि आप यूट्यूब में देखते हैं एल्गोरिथम है, हमारा यूनिवर्स में भी इट इज द सेम एल्गोरिथम दैट इज रनिंग. सो दैट्स व्हाई बी हैप्पी, बी ऑलवेज फिल विथ पॉजिटिविटी, राइट. आई विल नॉट से बी पॉजिटिव बिकॉज अभी काफी डर लग रहा है हमें शब्द से. पॉजिटिव नहीं रहे, नेगेटिव रहे, बट हम हाँ पॉजिटिविटी से जरूर हम फिल होके अपना दिन शुरू कर सकते हैं. ठीक है, या सो आई होप यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर थॉट एंड इट इज एक्चुअली वेरी रिलेटेबल. सो हाई जसप्रीत, योर फर्स्ट डे हेयर, वेलकम बैक टू द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ यू. एंड ओके, सो एज यू सी हमारा पहला करंट अफेयर्स, एज यू नो व्हेनेवर आई स्टार्ट, जब भी हम स्टार्ट करते हैं क्लास को तो हम करंट अफेयर से करते हैं. ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विद दिस करंट अफेयर्स. क्या है ये पहला करंट अफेयर्स फॉर यू इज रेस टू जीरो कैंपेन. क्लियर है, हाँ, रेस टू जीरो कैंपेन. आई विल क्विकली टेल यू टू इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दैट वर रिसेंटली न्यूज और इट इज एक्चुअली रेलिवेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. वो ICT से रिलेटेड हो सकता है, वो एनवायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है. सो ये रेस टू जीरो कैंपेन क्या है, ये कैंपेन है, दिस इज अ कैंपेन. करंट अफेयर्स इंग्लिश में है, मैं हिंदी में समझाऊंगी, बाकी पूरा सेशन निश्चिंत रहिएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, हाँ ओके. सो द कैंपेन एम्स टू कोडिफाई कमिटमेंट्स मेड वियर द क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस. ये एक अलायंस बना था, एक ग्रुप बना था, कहां पे, COP25 में. COP25 कहां हुई थी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. ये 2019 में हुई थी, इट वॉज हेल्ड इन द ईयर 2019 इन मड्रिड बोले तो स्पेन. सो इसकी मेजबानी मड्रिड ने की थी, बट द प्रेसिडेंटशिप किसने ली थी,
It was with what? It was with South America. फाइन सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी मड्रिड में ये हुआ था, वहां पे कैंपेन लॉन्च हुआ था रेस टू जीरो. रेस टू जीरो का मतलब क्या है? इट एनकरेजेस द कंट्रीज एज वेल एज कंपनीज एंड अदर एंटिटीज टू डिलीवर स्ट्रक्चर्ड नेट जीरो ग्रीन हाउस गैसेस. मतलब हमें रेस करना है किसके लिए? जीरो के लिए. और वो जीरो क्या है यहाँ पे? वो है हमारा ग्रीन हाउस गैसेस. फाइन एग्जैक्टली स्पेन में हुआ था. सो प्लीज एवरी वन पार्टिसिपेट. जो भी मैं पढ़ाऊंगी, जो भी मैं पूछूंगी, आई वॉन्ट यू गाइज टू आंसर एंड बी मेक इट एन इंटरक्टिव सेशन. सो ये रेस टू जीरो क्या है? हमारी सारी कंट्रीज जो की स्कॉप 25. वॉट इज स्कॉप? कॉप का आपको आई गेस फुल फॉर्म अभी तक पता होगा, मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ. इट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. सो दिस इज एक्चुअली द पार्टीज दैट आर मीटिंग सिंस 1992. ये पार्टी कब से मीट कर रही है? स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ समिट, रियो समिट से हर साल, हर दो साल में ये दे मीट एट डिफरेंट प्लेसेस. तो इस बार इनकी 25वीं मीटिंग थी. फाइन सो वहां पे ये रेस टू जीरो कैंपेन साइन हुआ था एंड एवरीवन, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज दे टुक अ प्लेज. क्या प्लेज था? कि हम अपना ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल सूजा, इसका मतलब यही है. ग्रीन हाउस गैस कम होगी माने पोल्यूशन कम होगा, पोल्यूशन कम होगा ग्लोबल वार्मिंग कम होगी. सारी चीजें सब रिलेटेड हैं. सी लेवल राइज. सी लेवल राइज क्यों होता है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है. द टेम्परेचर आर राइजिंग हेंस द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग. बिल्कुल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी. हाँ, पहला जो आपको क्योटो प्रोटोकॉल था, द क्योटो प्रोटोकॉल दैट वॉज साइंड इन कॉप 3rd, फाइन 1997. So, ये 1992 से पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी और ये कहानी अभी तक चल रही है. ठीक है. दिस मैसेजिंग ऑफ द कैंपेन कैरीड आउट अंडर द एजीस ऑफ UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. सो इसमें क्या बोलना है? हमें सब कंट्रीज को बोला है कि अपने क्लाइमेट एम्बिशन बढ़ाइए. एम्बिशन मतलब बढ़ाइए, अपना ग्रीन हाउस गैसेस को कम करिए. फाइन. कॉप का फुल फॉर्म आरती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. ठीक है, मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ इसको. प्लीज मेरे वीडियोस देखिएगा पुराने जो मैंने क्योटो और पेरिस में करे हैं. नॉट मे करे हैं, पे करे हैं. लाइक यू नो, ऑफकोर्स आई वॉज हेयर एंड टीचिंग यू, आई डिडंट गो देयर, बट आई हैव कवर्ड द क्योटो प्रोटोकॉल एंड द पेरिस क्लाइमेट चेंज अच्छे से. फाइन. यस, चलिए. सो ये हमारा करंट अफेयर्स था. इसमें क्या है? इसमें ये भी बोला है कि रियल इकोनॉमी एक्टर्स, मतलब हमारे इकोनॉमी के जो एक्चुअल एक्टर्स हैं, उनको क्या करना है? दे जस्ट नॉट कवर हाफ द GDP बट ऑल्सो क्वार्टर ऑफ CO2 एमिशन. मतलब आप समझ रहे हैं, जो जितनी भी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े देश हैं, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से ब्राजील, द डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल लाइक इंडिया, चाइना, US, यूरोपियन देश तो हैं ही. वो जितना ज्यादा इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, एज बिग एज दे आर इकोनॉमिक प्लेयर्स, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन द एटमोसफेयर. ठीक है. हाँ, चलिए. नेक्स्ट आपके लिए करंट अफेयर्स है ग्रीन गुड डीड्स कैंपेन. अब हमने ग्लोबल न्यूज देख ली, लेट्स कम टू द लोकल न्यूज. ये भारत का एक कैंपेन है. This is launched by the government of India under the Ministry of what? Environment, Forest and Climate Change. And ये क्यों launch किया गया है? To sensitize the people, लोगों को, बच्चों को जागरूक बनाने के लिए किसके बारे में? Climate change. UNFCCC का full form सोनम होता है United Nation Framework Convention on Climate Change. ठीक है. हाँ, सूजा जी हिंदी में रहेगा, आगे जाके स्लाइड्स में हिंदी में भी रहेगा. जैसे मैंने बोला, करंट अफेयर्स सिर्फ इंग्लिश में होता है, दो करंट अफेयर. हाँ, थैंक यू सो मच अरुणा फॉर हेल्पिंग आउट. सो ये पीपल ओरिएंटेड कैंपेन है, ग्रीन गुड डीड्स. मतलब हम बोलते हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं, यू शुड डू गुड डीड्स. सो ये जो अच्छे कर्म है, द गुड डीड्स दैट अ पर्सन डू, इट शुड बी ऑफ व्हाट कलर? ग्रीन कलर. मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड यू शुड बी डूइंग योर गुड डीड्स. समझ रहे हैं आप? For example, it could be anything, starting from planting trees, raising awareness, emitting less amount of carbon dioxide, etc. So it will be involving teachers, students and other voluntary organizations. Clear hai? Bataiye, aaya samajh mein? Do current affairs, ye bahut important hai. Green good deeds campaign, these both are related to your environment and race to zero.
हमें सबको भागना है, बट किसके लिए भागना है? जीरो करने के लिए। मिनिस्ट्री, ओके, इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है। हमारा पर्यावरण मंत्रालय का फुल फॉर्म होता है MOEFCC, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एग्रीकल्चर का जो हमारा कृषि मंत्रालय है उसका क्या नाम है? एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। सो ये मंत्रालय हम बोलते ऐसे हैं बट इनका एक्चुअल फुल फॉर्म इज डिफरेंट। आया समझ में? एनी डाउट? सो दो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अगर आपसे पूछ लें तो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। चलिए सो हम जल्दी से आ जाते हैं। एक बार बताइए, आर यू गाइस रेडी? लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज व्हाट? मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? याददाश्त, ठीक है। याददाश्त इंसान की होती है। हमें अगर कोई आपको कोई, मैं आपको आज जो चीजें पढ़ा रही हूँ, आपके या आपके दिमाग में, इन योर ब्रेन, ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स विल गो एंड फिट देयर। कल जब आप एग्जाम देने जाएंगे आप क्या करेंगे? आप अपनी मेमोरी पे जोर देंगे। कहीं ना कहीं किसी कोने में आपके दिमाग में वो चीजें बसी रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी क्वेश्चन कम्स रिगार्डिंग रैम, एनी क्वेश्चन कम्स रिगार्डिंग रोम, तो आप क्या करेंगे? अपनी मेमोरी पे जोर देंगे। सिमिलरली द कंप्यूटर, जो हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, इन सब की भी एक मेमोरी होती है। सो टुडेज टॉपिक विल डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली इज मेमोरी। सो द कंप्यूटर मेमोरी इज अ फिजिकल डिवाइस, एक प्रकार का एक फिजिकल डिवाइस होता है। दिस इज नॉट अ वर्चुअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये एक फिजिकल डिवाइस होता है, एक उपकरण होता है जिसमें वी कैन स्टोर इंफॉर्मेशन टेम्पररी और परमानेंटली, ठीक है। कुछ चीजें आप अपने दिमाग में टेम्पररी स्टोर करते हैं, कुछ चीजें आप परमानेंटली स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट वॉन्ट टू रिमेंबर एनीथिंग, ठीक है, किसी आपके दोस्त ने आपको आके बताया कि हे दिस इज माई नंबर, दिस इज माई फोन नंबर, प्लीज कॉल मी बैक, बट अगर आपको लगेगा ओ आई विल नेवर कॉल हिम बैक एनी वे, तो मैं नंबर क्यों याद रखूं, तो आप कहीं ना कहीं उसको सबकॉन्शियसली टेम्पररी तरीके से स्टोर करेंगे। बट इफ देयर इज अ रोल नंबर, और आपका ये नेट का रोल नंबर है, आपका यूपीएससी का रोल नंबर है, आपका बोर्ड एग्जाम का रोल नंबर है, तो आप कहीं ना कहीं इसको जोर देके अच्छे से स्टोर करने की कोशिश करेंगे। दैट विल बी स्टोर्ड इन योर ब्रेन परमानेंटली। सो सिमिलरली, यस, आई विल गिव क्वेश्चन दीपिका व्हाइल द सेशन गोज ऑन। फिलहाल हम ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ते हैं बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, सो कंप्यूटर में भी दो प्रकार का डिवीजन होता है, वन इज टेम्पररी, अनदर इज परमानेंट। जो टेम्पररी मेमोरी होती है, फॉर एग्जाम्पल देर आर मेनी नेम्स, यू कैन से दैट रैम, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। देर आर अदर मेमोरी डिवाइसेस लाइक CD, DVD, HDD. HDD क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। और क्या क्या होता है? फ्लैश मेमोरी। सो ये बहुत सारे टर्म्स हैं। आई वुड लाइक कि आप एक कॉपी में जॉट डाउन करते जाएं, नोट करते जाएं जो जो टर्म्स मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज इट एंड हार्डवेयर ऑल्सो यूटिलाइज। सो बेसिकली इन मेमोरीज को हम कैसे बनाते हैं? इस मेमोरी को एक तरीके, ये हार्डवेयर डिवाइस है, कंप्यूटर के अंदर रहता है, एंड इट डिपेंड्स कि कौन सी मेमोरी की क्या विशेषता है। अगर वो टेम्पररी तरीके से यूज कर रही है किसी डेटा को, सो दैट विल बी रैम, फाइन। अगर दैट मेमोरी इज स्टोरिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? परमानेंट ड्यूरेशन, या ज्यादा समय के लिए उसमें स्टोर हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? वी कैन कॉल इट एज रोम, और वी कैन ऑल्सो कॉल इज दैट सेकेंडरी मेमोरी, फाइन। एनी डाउट? हाँ, सबके फुल फॉर्म मैं बताते चलूंगी। जब CD पे आएंगे हम CD का फुल फॉर्म देखेंगे, HDD का फुल फॉर्म, सबका फुल फॉर्म बताऊंगी। बट टू स्टार्ट विद, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले अगर मैं मेमोरीज को ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड करूं, इफ आई डिवाइड द मेमोरी इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है? रैम एंड रोम। प्राइमरी मेमोरी में आता है रैम एज वेल एज रोम। प्राइमरी मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, सबसे पहले आप किसके पास जाते हैं? टेल मी, व्हेनेवर यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू आर फीलिंग लो, तो आप किसके पास जाना पसंद करते हैं, किससे बातें करना पसंद करते हैं? प्राइमरली द योर गो टू पर्सन इज वॉट? योर मॉम।
आप अपनी कहीं ना कहीं अपनी माँ के पास जाते हैं, राइट? यू गो टू योर मदर एंड दैट इज योर प्राइमरली फर्स्ट गो टू पर्सन जब भी आपको कुछ शेयर करना होता है. वैसे ही हमारा कंप्यूटर जो है, हम जब भी कोई डेटा इसमें स्टोर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ट्राइंग टू स्टोर एनी डेटा, ठीक है, मैंने एक नया पीडीएफ बनाया, मैंने एक नया लेक्चर बनाया, मैं स्टोर करूंगी, इट्स स्टोर्ड इन द प्राइमरी मेमोरी. ये प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? रैम होती है, ठीक है. ऑल्सो हाँ, मॉम के पास जाते हैं, राइट. नेटवर्क इश्यू हो रहा है, प्लीज रिफ्रेश कर लीजिएगा, प्लीज रिफ्रेश योर स्क्रीन गाइज एक बार. हाँ, आई होप इट्स क्लियर. एग्जैक्टली. सो जो आपका कंप्यूटर, जब भी मैं कोई डेटा इसमें देती हूँ तो इट स्टोर्स इन इट्स प्राइमरी मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी में रैम होता है और रोम होता है, फाइन. जो सेकेंडरी मेमोरी होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू स्टोर अ डेटा दैट इज नॉट एक्चुअली ऑल द टाइम एक्सेसिबल, बट आप उसको रखना चाह रहे हो, आप उस डेटा को अपने पास रखना चाह रहे हो कुछ टाइम के लिए, ताकि वो परमानेंटली बना रहे, फॉर दैट यू हैव योर फ्रेंड्स, जो कि आपका सेकेंडरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है. वैसे ही कंप्यूटर का सेकेंडरी मेमोरी क्या क्या होता है? इट हैज मैग्नेटिक स्टोरेज, इट हैज ऑप्टिकल स्टोरेज, ऑल्सो इट हैज सॉलिड स्टेट मेमोरी. एक बार YouTube को रिफ्रेश कर लीजिएगा प्लीज. यू जस्ट हैव टू रिफ्रेश योर YouTube इफ इट्स नॉट क्लियर, द स्क्रीन इज नॉट क्लियर. आई स्विच ऑफ माई वीडियो फॉर अ वाइल. या प्लीज बताइए, अभी थोड़ा बेटर है? इज इट फाइन? आर यू एबल टू सी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. सो सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है? मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज एज वेल एज सॉलिड स्टेट, जो आपकी पेन ड्राइव्स होती हैं. फॉर एग्जांपल पहले हम फ्लॉपी यूज करते थे, वी हैव हार्ड डिस्क, फाइन. वी हैव ऑप्टिकल स्टोरेज में क्या क्या होता है? सीडी, वी हैव डीवीडी, वी हैव ब्लू रे डिस्क. सो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट ये होता है सेकेंडरी एंड दिस इज मोर ऑफ अ परमानेंट मेमोरी डिवाइस. ये परमानेंटली डेटा को स्टोर कर लेती है, ठीक है. अगर मैं ब्रॉडली डिवाइड करूं, इफ आई डिवाइड योर कंप्यूटर मेमोरी इंटू टू पार्ट्स, सो एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, फाइन. प्राइमरी में क्या होता है? रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी. सेकेंडरी में यू हैव योर फ्लॉपी, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी, योर ब्लू रे डिस्क. और अगर मैं बात करूं इसमें परमानेंट और टेम्परेरी क्या होता है, सो यू कैन ड्रॉ दिस लाइन लाइक दिस. ये लाइन, लाइन के इस तरफ वाला क्या होता है? टेम्परेरी होता है. This is temporary and these all memory are permanent. Clear है? So, अगर मैं RAM की बात करूं, random access memory, this is also a temporary memory. Temporary क्यों बोलते हैं हम? मतलब जैसे ही हम data इसमें save करते हैं and the moment power goes off, तो इसका data पूरा क्या होता है? चला जाता है. It goes off. But this ROM and all these memories, the secondary memory, ये सारे permanent memory होते हैं. एग्जैक्टली. योर माइंड इज योर रैम एंड योर नोटबुक इज योर सेकेंडरी मेमोरी. अगर आपको कुछ नोटबुक में आपको कुछ स्टोर करना हो तो आप क्या करेंगे? आपकी ये सेकेंडरी मेमोरी रहेगी. आया समझ में? एसडी कार्ड सेकेंडरी है, प्राइमरी सिर्फ ये दोनों होती हैं. प्राइमरी मैंने लिखा है, व्हाट आर द प्राइमरी मेमोरी? रैम एंड रोम. बट अगर मैं परमानेंट और टेम्पररी की बात करूं, सो टेम्पररी ये दिस लाइन विच आई हैव ड्रॉन हेयर. Here it is temporary. Everything on this side of the line is permanent. आया समझ में? Any doubt? हाँ. So what exactly is primary memory? Primary, जैसे मैंने आपको बताया, जब भी हम अच्छा फील नहीं करते, सबसे पहले हम अपनी माँ के पास जाते हैं. ठीक है. सीपीयू को, अगर हमने सीपीयू को कुछ स्टोर करना है, दैट इज योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के पास जाता है. रैम रोम एंड कुछ भी रनिंग, एग्जीक्यूशन, एप्लीकेशन जो भी करना होता है, वो रैम के किसी भी हिस्से में जाके स्टोर कर देता है. सो दैट्स व्हाई आई विल कम टू एसडी कार्ड. अभी मैंने एसडी कार्ड नहीं बताया है. दीज आर सेकेंडरी मेमोरी.
ऑल दीज आर सेकेंडरी मेमोरी. फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल में स्टोरेज कार्ड डालते हैं, ये क्या है, ये भी सेकेंडरी मेमोरी है. क्लियर है? टेम्पररी मेमोरी सिर्फ रैम होती है, इसलिए वी कॉल इट एज अ वॉलेटाइल मेमोरी. इट इज वॉलेटाइल एंड द स्टोरेज कैपेसिटी इज लिमिटेड. मतलब ये जो रैम की स्टोरेज कैपेसिटी है ये बहुत लिमिटेड होती है. मतलब मैं इसमें कुछ ही मात्रा में डेटा स्टोर कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल व्हेनेवर यू गो टू बाय एनी न्यू कंप्यूटर और लैपटॉप, आप पूछते हैं ना कि इसकी रैम कितनी है. दैट्स वाई इट इज वेरी लिमिटेड. बट ये जो सेकेंडरी मेमोरी है इसको आप कितना भी बढ़ा सकते हैं. यू कैन हैव एज मैनी एज फ्लॉपी ड्राइव, यू कैन हैव मैनी हार्ड डिस्क ड्राइव, यू कैन हैव मैनी सीडी ड्राइव. क्लियर है? एनी डाउट? मोबाइल का भी रैम ही होता है, मोबाइल की भी रैम होती है. हाँ, सो हियर इफ वी डिस्कस दीज टू मेमोरी, रैम और रोम. रैम कैसी होती है? वॉलेटाइल. मतलब मैं रैम को हम सिंपल तरीके से इसको याद कर सकते हैं, राम भरोसे. रैम क्या है? रैम इज इक्वल टू राम. सो इट इज एक्चुअली राम भरोसे. अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी की पावर पावर कट हटा दिया, राइट, वी रिमूव द पावर, एनी डेटा डेट इज स्टोर्ड इन इट विल गो अवे. इसलिए इसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल, उड़ जाता है पूरा डेटा. बट जो रोम होता है, That is read only memory. इसका full form क्या होता है? Read only memory. Here we can only read, पर हम इसमें लिख नहीं सकते. अगर आप कोई computer में data store करते हैं तो ये ROM में नहीं जाता, ये सिर्फ RAM में जाता है. But this ROM is more of a permanent memory. Fine. For example, whenever you start your computer, जब भी आप computer start करते हैं आपका एक process होता है जिसको हम बोलते हैं bootstrapping. बूटस्ट्रैपिंग होता है. बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है? दैट इज योर इनिशियल इंस्ट्रक्शन जो कि आपके कंप्यूटर को जरूरत होते हैं चलने के लिए. द इंस्ट्रक्शन विच योर कंप्यूटर रिक्वायर टू रन. फाइन, जो स्टार्टअप, फॉर एग्जाम्पल हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, हमारा कुछ स्टेप्स होते हैं ना, पहले आप गियर दबाइए, क्लच दबाइए, देन यू गिव द एक्सीलेटर धीरे धीरे. वैसे ही कंप्यूटर को भी स्टार्ट करने के लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बूटस्ट्रैपिंग. फाइन, बूटस्ट्रैपिंग का जो ये पूरा स्टोर होता है वो कहाँ होता है? रोम में होता है. दैट्स वाई रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. कैसी मेमोरी होती है? नॉन वॉलेटाइल. द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इज परमानेंटली. जैसे कि आप देख सकते हैं मेमोरी के निर्माण के दौरान ही जानकारी स्थायी रूप से संग्रहित हो जाती है. एंड द रोम ऑल्सो स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन वी रिक्वायर टू स्टार्ट अवर कंप्यूटर. जैसे आपकी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए कुछ जरूरत होती है इंस्ट्रक्शन की, वैसे ही रोम को भी स्टोर होते हैं इंस्ट्रक्शन जो कि आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जरूरत होती है. दीज आर कॉल्ड एज अ बूटस्ट्रैप. आया समझ में? एनी डाउट? रैम में किस टाइप का? रैम में बेसिकली आपके सेल्स होते हैं. इफ आई टॉक अबाउट योर रैम इज नथिंग, इज जस्ट अ मेमोरी, एक मेमोरी ब्लॉक होता है. ठीक है, इसमें अलग अलग सेल्स होते हैं. लाइक दिस यू स्टोर योर डेटा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने स्टोर किया, मुझे करना है 2 + 2 = 4. सो दिस इंस्ट्रक्शन विल बी स्टोर्ड हेयर, इट कुड बी स्टोर्ड हेयर और इट कुड बी स्टोर्ड हेयर. इसको रैंडम बोलते हैं बिकॉज सीक्वेंशियल नहीं होता. रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट कुड बी स्टोर्ड एनी वेयर. और ये आपको आपका जो पूरा कंप्यूटर की मेमोरी है, जो ये रैम है, ये अलग अलग सेल्स में डिवाइडेड होती है. फाइन, तभी आप बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल माई द मेमोरी ऑफ माई कंप्यूटर इज 2^64 × 16. ये मेरी रैम का साइज है. मतलब इसमें एक एड्रेस कुड बी ऑफ 64 bits. समझ रहे हैं? एक एड्रेस कुड बी ऑफ 64. जैसे एक सेल है, इसका एक पता होगा. जैसे आपके घर का एक पता होता है, आपकी कॉपी में आप कुछ सेव करते हैं तो एक पेज नंबर होता है. यू हैव अ पेज नंबर, दैट इज द एड्रेस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. सिमिलरली हमारी रैम में भी हर एक लोकेशन का एक पता होता है जो उसका सेल का एड्रेस होता है. सो अगर मैं बोलूं मेरी रैम का साइज इतना है, 2^64 × 16, मतलब इसमें 64 bit का एक एड्रेस हो सकता है. एंड आई कैन हैव एज लार्ज माई रैम एज 2^64. मतलब मेरे कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मेरी रैम इतनी बड़ी हो सकती है. और एड्रेस लाइन उसकी कितनी है? 16 bit की. आया समझ में?
एनी डाउट? एग्जैक्टली दीक्षिका, जैसे कि मैंने क्लास में बताया, तो ये रैम है, रैम का पूरा जो सिलसिला है रैम का इसी तरीके से स्टोर होता है। रोम की बात करूं मैं, रोम बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इसमें बूटस्ट्रैपिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो अगर हमें कोई भी चीज रोम रोम में बसानी है, राइट, वी से ना ओके भगवान दिस पर्टिकुलर गॉड इज देयर इन माय रोम रोम, मेरे रोम रोम में बसे हैं, सो बसना इज एक्चुअली यू आर एक्चुअली मेकिंग इट स्टे फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम। अगर आप वॉशिंग मशीन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग योर वॉशिंग मशीन, उसको आपने स्टार्ट किया, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन क्या होती है आपको पता रहता है कि पहले आप पानी डालें, डिटर्जेंट डालें, ये पूरा इंस्ट्रक्शन उसमें सेट होता है। सो ये भी वॉशिंग मशीन की रोम में होता है, मतलब इट इज स्टोर्ड इन इट्स रोम रोम, परमानेंटली स्टोर हो जाता है। आया समझ में? रैम साइज एक्सपैंड कर सकते हैं ऐसा बोलते हैं, बट इट इज नॉट वेरी मच यू नो पॉसिबल। रैम साइज बिल्कुल एक्सपैंड हो सकता है, हम बोलते हैं कि रैम बढ़ाना है, बट कई बार क्या होता है, लोग जो अपनी सेकेंडरी स्टोरेज होता है उसी से डेटा कंपार्ट लेकर रैम में एड कर देते हैं, सो टेक्निकली वी कैन ऑफकोर्स इंक्रीज द साइज। यस, आया समझ में? प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मतलब हम जो अलग से ऐड करते हैं, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ये सब सेकेंडरी है, क्योंकि हम बाद में इनको एक्सेस करेंगे। कंप्यूटर जी को हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि मिस्टर कंप्यूटर ये लीजिए हमारा डेटा, इसको आप स्टोर कर दीजिए, तो कंप्यूटर सबसे पहले कहाँ जाएगा? रैम के पास जाएगा, ठीक है, फिर हम सेकेंडरी में कुछ स्टोर करते हैं। फाइन, रैम से भी पहले, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक नदी पार करनी है, यू वॉन्ट टू यू नो क्रॉस द स्ट्रीट, तो यहाँ पे एक पत्थर रखा है, आप उस पत्थर पे पैर रखेंगे, राइट, यू विल स्टेप ऑन दैट स्टोन एंड देन यू विल क्रॉस इट। रैम और आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर के बीच में भी एक और मेमोरी आती है जिसको हम बोलते हैं कैश। कंप्यूटर सबसे पहले कैश पे जाता है, इट इज अ मिड वे, ठीक है, अगर मुझे कोई पार करना है, ठीक है, और बीच में एक मुझे पत्थर रखा है, तो मैं पत्थर पे पैर रखूंगी, फिर मैं अपने उस छोर पे जाऊंगी, सो कैश इज दैट काइंड ऑफ मिड वे। फाइन, सो हियर दिस इज कैश, और फाइनली फिर रैम में आके डेटा सेव होता है। अगर आपने कोई डेटा अपना सीडी में रखा है, डीवीडी में रखा है, फ्लॉपी में रखा है, आप एक्सेस तो कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू सो मच जयश्री। हाँ, अगर आपने कोई डेटा, मानो आपने कोई अपना एक नई मूवी आई है, ठीक है, आपने नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है, फॉर एग्जाम्पल मनी हाइस्ट, आपने अपने दोस्त से ले ली, आपने बोला इस बार मैं सैटरडे संडे पूरी मनी हाइस्ट को अच्छे से देखूंगा, तो आपने क्या किया, आपने सीडी में स्टोर कर ली, तो आप कंप्यूटर में सीडी लगाएंगे। कभी भी जो डेटा होता है वो सीडी से डायरेक्टली कंप्यूटर प्रोसेस नहीं करता, सबको पहली बार रैम में ही आना पड़ता है, बोलते ना एक बार तो आपको भगवान के द्वार जाना पड़ता है, सो दैट वे वहां पे एक बार माथा टेकना पड़ता है। यू हैव टू एनी डेटा दैट इज स्टोर्ड इन योर सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी, ब्लू रे, एनी काइंड ऑफ सेकेंडरी डिवाइस, इट हैज टू बी फर्स्ट लोडेड इन टू योर रैम, देन ओनली योर कंप्यूटर कैन प्रोसेस इट। आया समझ में? कैश के बारे में बताऊंगी, बिल्कुल कैश एक तरीके समझ लीजिएगा एक मिडवे है, वो भी क्या होता है, उसमें हमें कोई डेटा जो है बार बार एक्सेस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आपको ग्रेड अप है, आप ग्रेड अप बार बार एक्सेस करते हैं, ठीक है, यूट्यूब में आएंगे आप, ग्रेड अप की ऐप में आएंगे, तो आपको बार बार जो एक्सेस चीज होती है वो हम कहीं ना कहीं आपका जो ब्राउजर होता है वो भी कैश में रख लेता है, ठीक है, ताकि तुरंत जाएं, तुरंत एक्सेस करें, हमें रैम तक ना आना पड़े। आया समझ में? I will come to cache later. Let's take it step by step. अभी RAM समझ में आया, ROM समझ में आया। आया समझ में? For example, आपके मोबाइल में अगर आपने कोई नया एप्लीकेशन स्टोर किया है, फॉर एग्जाम्पल आरोग्य सेतु ऐप, फाइन, आपने ये नया ऐप स्टोर किया है, सब लोग बोल रहे हैं कि भाई कर लो, सुरक्षा है, तो ये ऐप कहाँ पर जाएगा? Where this app will go? This app will go to your ROM. सब कुछ रोम में जाता है क्योंकि परमानेंट है ना, पर जब आप आरोग्य सेतु ऐप को यूज करेंगे, व्हेनेवर यू यूज दिस आरोग्य सेतु ऐप, आपने यूज किया कि मैं देखूं मेरे आसपास कितने पॉजिटिव केसेस हैं, यू वांट टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ दिस ऐप, तो ये रैम से लोड होकर आरोग्य सेतु आपके रोम से रैम पर आ जाएगा। सो एनीथिंग यू वांट टू एक्सेस
इट कम्स फ्रॉम रोम टू रैम, दैट इज द फिनोमिना, यही प्रकृति का नियम है, यही हमारे कंप्यूटर का नियम है, पहले एक बार रैम में माथा टेकना पड़ता है। आया समझ में? एनी डाउट? हाँ, सो रोम इज रीड ओनली मेमोरी। रोम के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू हैव द मेन काइंड ऑफ रोम इज पी रोम, ई पी रोम, प्रोम और वॉट एग्जैक्टली डबल ई पी रोम। हाँ, दिस इज डबल ई पी रोम। सो इफ आई डिवाइड माई रोम दैट इज रीड ओनली मेमोरी, इट इज डिवाइडेड इंटू बेसिकली थ्री कैटेगरीज, वन इज प्रोम, वन इज ई पी रोम, अनदर इज डबल ई पी रोम। हाँ, सेकेंडरी, सेकेंडरी इज ऑफकोर्स डिफरेंट। सेकेंडरी आपका फ्लॉपी है जो आपको अलग से डालना पड़ता है, सीडी है जो आपको अलग से डालनी पड़ती है, पेन ड्राइव है, ये सब सेकेंडरी में आता है। हाँ, वेरी नाइस। सो रोम के भी देर आर थ्री कैटेगरीज। वन इज प्रोम। प्रोम को फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब कोई, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक डिवाइस दे रही हूँ, ठीक है, मैंने आपको एक डिवाइस दिया, आप समझ लीजिए आप एक रॉ के एजेंट हैं। मैंने बोला ये लो तुम्हारा एक डिवाइस है, इसको मैंने प्रोग्राम करके दे दिया है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। मैं इसको बर्न करके एक बार आपको दे रही हूँ, ये लो इसमें सारा डेटा सेव है, सारे रिकॉर्ड सेव है, किसके? योर एनिमी स्टेट के। सो दैट हैज बीन, दैट पर्टिकुलर थिंग हैज बीन ऑलरेडी प्रोग्राम। एक ही बार इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या मैं चाहूंगी कि आप इसमें और ज्यादा डेटा डाल सकें? नो। सो दैट पर्टिकुलर रोम दैट इज प्रोग्रामेबल, मैं सिर्फ एक ही बार मॉडिफाई कर पाती हूँ, उसका क्या नाम है? प्रोम। आया समझ में? हाँ। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक क्वेश्चन में भी इसका एग्जाम्पल दिया था, प्रोम, वेन एवर यू आर ग्रेजुएटिंग, बहुत से लोगों की प्रोम नाइट होती है, आपने सुना होगा। प्रोम नाइट क्या होती है? वेयर पीपल ड्रेस अप इन देयर फॉर्मल्स एंड दे गो, लाइक फेयरवेल होता है, एक ही बार होता है। याद रखिए, जैसे प्रोम या फेयरवेल एक ही बार होता है, वैसे ही प्रोम में एक ही बार हम डेटा डाल सकते हैं। दूसरा होता है इरेजेबल प्रोम, मतलब इसमें हम डेटा तो डाल सकते हैं बट वी कैन इरेज इट। हम इसमें बार बार अगर मैं कुछ ऐड करना भी चाहूँ तो भी मैं कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका मेरे लेक्चर्स, तोशिबा मैम के लेक्चर्स आपने लिए हैं, मैंने कुछ दो तीन लेक्चर्स और डाल दिए आपको, तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप उसको इरेज करके यू कैन ऐड मोर लेक्चर्स। बट इरेजेबल हेयर, आप इरेज कैसे करेंगे? यू विल इरेज यूजिंग योर वॉट? यूवी रेज। फॉर एग्जाम्पल आप कर सकते हैं कि आप बाहर जाके धूप में अपना अपना ई पी रोम रख दिया, उससे इरेज हो जाएगा, बट 40 मिनट तक आपको उसको सन को से एक्सपोज करना पड़ेगा, दैट इज इरेजेबल। फाइन, दैट इज इरेजेबल। पीडीएफ वी डोंट प्रोमिस हेयर बिकॉज ऑफकोर्स हमारा ग्रेड अप क्लासरूम में वी डू गिव पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में दोनों में, बट यहाँ पे वी ट्राई टू गिव यू थ्योरी। क्लियर? हाँ, ये मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रही हूँ किसका? रोम का, रीड ओनली मेमोरी। द रोम इज डिवाइडेड इंटू दीज थ्री कैटेगरी, प्रोम, ई पी रोम एंड डबल ई पी रोम। फाइन, अक्षता हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट, प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है। अभी मैं सेकेंडरी तक आई नहीं हूँ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू प्राइमरी राइट नाउ। प्राइमरी एज इन रैम एंड ऑफकोर्स रोम, दीज टू आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी। Fine, ROM is not a secondary memory, ROM is a primary memory. हाँ, erase कैसे करेंगे? UV rays से, धूप में ले जाइए और जाके erase कर दीजिए। दूसरा तरीका हो सकता है double EP ROM, that is आप बोलेंगे कि इतनी मेहनत क्यों करना है, 40 मिनट इसको धूप में क्यों लेके जाना है, 40 मिनट क्यों इनको धूप में हम यूवी किरणों का सामना करवाएं, ठीक है, टैनिंग हो सकती है इनको। सो उनको टैनिंग से बचाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वी विल इरेज देम। द EEP ROM इज प्रोग्राम्ड एंड इरेज्ड इलेक्ट्रिकली, फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी देन यूज्ड 10,000 टाइम। इतनी बार इसको हम इरेज कर देंगे कि क्या हो जाएगा, ये 10,000 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। और कितना टाइम लगेगा? 4 से 10 मिली सेकेंड, वेयर एज EEP ROM में कितना लग रहा था? 40 मिनट। So, हमने क्या किया? हमने अपनी रोम को हमने टैनिंग से बचा लिया, हमने सनबर्न से बचा लिया, और हम किसको यूज कर लेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को। सो बेसिकली देर आर थ्री काइंड ऑफ रोम,
रोम इज बेसिकली योर, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, पर वॉलेटाइल नहीं होती, दैट इज नॉन वॉलेटाइल. रोम रोम में बसना. फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग यू वॉन्ट टू स्टोर डेटा दैट इज फॉर देयर फॉर अ परमानेंट टाइम, हम रोम में स्टोर करते हैं. ठीक है, एग्जैक्टली. हाँ, मास्किंग भी होती है, मास रोम. सो ये सबसे पहले मास रोम आया करते थे, एम रोम जिसको बोलते हैं. सो देवर एक्चुअली वायर्ड डिवाइसेस. ये वायर्ड डिवाइस होते थे और प्री प्रोग्राम, पहले से ही प्रोग्राम सेट ऑफ डेटा इसमें होता था. फाइन, अब ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं. नाउ व्हाट वी यूज प्रोम, ईपी रोम एंड डबल ईपी रोम. हाँ, इलेक्ट्रिसिटी से इरेज करते हैं, नहीं तो धूप से इरेज करते हैं. टैनिंग हो जाएगी तो सोचते हैं चलो इलेक्ट्रिसिटी करते, एफिशिएंट भी ज्यादा होता है. क्लियर है, बताइए, एनी डाउट? हाँ, सो ऐसे एग्जांपल्स आपको बिल्कुल याद रहेगा. आप जो भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उनको भी हमेशा के लिए याद रहेगा, एंड यू विल नॉट फॉरगेट. नेक्स्ट वी कम टू आवर रैम, दैट इज राम भरोसे, राम जी की तरफ आते हैं. सो ये क्या है, ये हमारा इंटरनल मेमोरी होता है. अगर मेरे सीपीयू को कुछ भी सेव करना है, सबसे पहले कहाँ पे जाता है, वो कैश के पास जाएगा, फिर बेसिकली रैम. रैम ही यहाँ पे बॉस होता है. रैम प्राइमरी मेमोरी होता है, इट इज एक्चुअली अ वॉलेटाइल मेमोरी. सो जब भी आप कंप्यूटर में कुछ काम करते हैं, वट एवर डेटा यू आर स्टोरिंग, फॉर एग्जाम्पल योर सॉन्ग्स, योर एनीथिंग, योर न्यू पीडीएफ, योर न्यू वर्ड फाइल, सब कुछ रैम में होता है. दिस इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सेस मेमोरी. आया समझ में? हाँ, यूवी का होता है फुल फॉर्म अल्ट्रा वायलेट रेज. यस, वेरी नाइस, काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं. यस अक्षिता, यूवी इज अल्ट्रा वायलेट. ठीक है, आगे बढ़े. हाँ, एक्सेस टाइम इन रैम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एड्रेस, मतलब ईच स्टोरेज लोकेशन इन साइड द मेमोरी इज इजी टू रीच एज अदर लोकेशन. मतलब अगर मेरी ये रैम है, दिस इज माई रैम, सो द एक्सेस टाइम विल बी ऑलमोस्ट सेम. फॉर एग्जाम्पल ये मेरे सेल्स है, मेमोरी सेल्स बोलते हैं इनको. ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे उनको पता है, इट इज ऑल्सो पेजेस, हम पेजिंग करते हैं मेमोरी में. सो अगर मुझे डेटा एक यहां से लेना है, फॉर एग्जाम्पल हेयर आई हैव स्टोर्ड आई लव ग्रेड अप. ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू एक्सेस दिस डेटा, कि मैंने एक स्टोर किया था आई लव ग्रेड अप करके सेंटेंस, अब मैं उसको कैसे एक्सेस करूंगी. सो दो इट इज रैंडमली एक्सेस, बट इन सब का एक्सेस टाइम इज यूनिफॉर्म. ऐसा नहीं है मुझे आई पहले स्टोर करूंगी, फिर मैं ग्रेड अप निकालूंगी, फिर मैं लव निकालूंगी. हेयर इट इज बेसिकली वॉट यूनिफॉर्म एक्सेस टाइम, एंड यू कैन गेट द डेटा ऑलमोस्ट एट द सेम अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक है, मैम आई एम फ्रॉम केरला, योर मदर टंग इज मलयालम, यू अंडरस्टैंड हिंदी फ्रॉम माई लेक्चर, दैट्स वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड, आई एम एबल टू एटलीस्ट मेक समवन लर्न एंड रिलेट टू हिंदी. सो यस, हिंदी इज ऑफकोर्स आर यू नो समथिंग विच वी ऑल रिलेट. सो अगर हिंदी आपको थोड़े से लेक्चर्स की वजह से आ रही है, दैट्स वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी. हाँ, सो रैम क्या है? रैम है राम भरोसे मेमोरी. राम भरोसे मेमोरी याद रखना. दिस इज वॉलेटाइल, दैट इज द डेटा स्टोर्ड इन इट इज लॉस्ट व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर, और इफ देयर इज अ पावर फेलियर. अगर पावर फेलियर हो जाता है एंड अ यूपीएस, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस यूपीएस, राइट? यूपीएस क्या होता है? इट इज अन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई. इफ यू डोंट हैव दिस यूपीएस, ऑल द डेटा वी स्टोर इट विल बी गॉन, टोटली गॉन, कभी नहीं आ सकता. समझ रहे हैं? एनी डाउट? सो हमारा रैम के भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो ये तो नाइंसाफी हो जाएगी कि रोम के हमने कितने टाइप बताए? तीन टाइप बताए. प्रोम बताया हमने ई प्रोम बताया, हमने डबल ई प्रोम बताया, पर रैम बोलेगा कि इवन आई एम द प्राइमरी मेमोरी, फाइन यू कम टू मी टू स्टोर एनीथिंग, इवन आई हैव मेनी टाइप्स. सो द रैम हैज टू टाइप्स, वन इज एस रैम, अनदर इज डी रैम. क्या होता है? एस रैम एंड डी रैम. सो एस रैम और डी रैम भी अलग अलग प्रकार के रैम ही हैं. द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज बेस्ड ऑन देयर इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस और द हार्डवेयर यू आर यूजिंग टू स्टोर. कंप्यूटर जो है वो बड़ा ही विचित्र प्राणी है. इसको आप कुछ भी बोलेंगे इसको नहीं समझ में आता, इसको सिर्फ जीरो और वन की भाषा समझ में आती है. So how this 0 and 1 bit, for example this could be called as on bit and off bit,
हाउ यू आर स्टोरिंग दिस ऑन एंड ऑफ बिट इन कंप्यूटर. सो ये 0-1 की भाषा हम अलग अलग तरीके से स्टोर कर सकते हैं. या तो हम लाइट के फॉर्म में कर दें, लाइट को बंद कर दें, लाइट को खोल दें, या तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इन इंस्ट्रूमेंट्स में, फॉर एग्जाम्पल SRAM. SRAM में जो डेटा स्टोर होता है वो किस में होता है, ट्रांजिस्टर्स में और फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम. एग्जैक्टली. सो SRAM और डायनेमिक रैम. डायनेमिक आप नाम समझ रहे हैं, डायनेमिक मतलब जो बार बार चेंज होती है, जो बार बार रिफ्रेश होती है. स्टैटिक इज अ थिंग दैट इज एक्चुअली हैविंग यू नो दैट कैन स्टोर डेटा फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. और इसको बार बार कॉन्स्टेंट पावर फ्लो की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, और इसमें हम क्या यूज करते हैं, वी यूज फ्लिप फ्लॉप्स एंड ट्रांजिस्टर्स. ठीक है, थैंक यू राज पीरू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. या सो फ्लिप फ्लॉप, अब आप पूछेंगे मैम फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, सो इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है. दीज आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो आपके कंप्यूटर में मेमोरी स्टोर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, आपका SR फ्लिप फ्लॉप होता है, यू हैव योर JK टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, यू हैव O टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप. बेसिकली इसमें 0 और 1 के फॉर्म में वी कैन स्टोर द डेटा. इधर इट कुड बी ऑन, इधर कुड बी ऑफ. सो दे आर डेटा. SRAM जो होता है, SRAM stores the data in the form of flip-flop or transistor. और ये जो SRAM है इसको हम क्या बोल सकते हैं, static RAM. Also इसको हम बोल सकते हैं श्री राम. ठीक है, जैसे राम भरोसे है बट हमने श्री राम लगा दिया. सो कहीं ना कहीं ये राम क्या है, ये ज्यादा रिलायबल हो जाता है. इसको हमें बार बार क्या करने की जरूरत नहीं पड़ती, बार बार हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती. इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश. श्री राम एक बार स्थापित हो जाते हैं तो इनको हम रिफ्रेश नहीं करते बार बार. फाइन, क्लियर, एनी डाउट? इट्स योर फर्स्ट लाइव वीडियो एंड द लेक्चर इज इनसाइटफुल. थैंक यू सो मच एकता फॉर अप्रिसिएशन. क्लियर है व्हाट इज स्टैटिक रैम? या अनदर थिंग इज व्हाट, तो इसका लाभ जान लेते हैं. अगर ये स्टैटिक है एंड इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड अगेन एंड अगेन, इसको हम कैश मेमोरी की तरह यूज कर सकते हैं. सो अगर आपसे NTA पूछे व्हाट काइंड ऑफ रैम इज यूज इन अ कैश, कैश मेमोरी में कौन सा रैम यूज होता है, यू विल से SRAM, श्री राम यूज होते हैं. बिकॉज हेयर SRAM इज अ मोर रिलायबल काइंड ऑफ RAM एंड इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड अगेन एंड अगेन. क्लियर? एडवांटेज क्या है, लो पावर कंजम्पशन, फास्टर एक्सेस. क्योंकि अब बार बार हमें रिफ्रेश नहीं करना पड़ रहा है. रिफ्रेश का मतलब क्या होता है, बार बार हम इलेक्ट्रिसिटी लगाएं रिफ्रेश करें. दैट मीन्स इट विल कंज्यूम अ वेरी लेस पावर एंड इट विल हैव फास्टर एक्सेस स्पीड. आया समझ में? ऑब्वियसली अब अच्छा है तो महंगा तो होगा ही, ये तो प्रकृति का नियम है, नॉट प्रकृति का बट दिस इज द नियम ऑफ योर मार्केट बेस्ड इकोनॉमी. अगर जो चीज अच्छी होती है वो महंगी होती है. तो अगर SRAM अच्छा है, वी आर नॉट रिफ्रेशिंग इट अगेन एंड अगेन, इट इज गिविंग अस अ फास्टर एक्सेस, दैट मीन्स इट विल बी ऑफ हायर कॉस्ट. हाँ बिल्कुल. अब हम दूसरे RAM में आते हैं जो है हमारा डायनामिक RAM. सो ये कैसे है, ये धार्मिक RAM है. धार्मिक मतलब हमें बार बार जो हमारा जो धार्मिक चीजें हमें रिफ्रेश करना पड़ता है. हम आज कोई वेद पढ़ेंगे, आज हम कोई नई पुस्तक पढ़ेंगे, हम कोई एक नया पाठ पढ़ लेंगे, ऑल दीज थिंग्स. सो डायनामिक रैम इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ व्हाट, अगेन एंड अगेन रिफ्रेशिंग. द पावर हैज टू पीरियोडिकली रिफ्रेश. तभी हम बोलते हैं ना, बींग स्पिरिचुअल एंड बींग रिलीजियस इज वेरी डिफरेंट. One could be spiritual but does not mean it he or she is religious also. Also you could be spiritual yet you cannot be religious. So even a person, अगर person religious है तो उसको ना नया नया जो धर्म में आजकल चीजें चल रही हैं, for example आज क्या हुआ, आज कौन से बाबा आए, आज कहाँ पे हमें कहाँ जाना है, ठीक है, तो इसको हमें refresh करना पड़ता है. So SRAM और DRAM हैं ये दोनों ही रैम, हैं दोनों प्राइमरी, हैं दोनों ही पहले फर्स्ट पॉइंट ऑफ सोर्स, बट स्टैटिक इज मोर स्टैटिक. यहाँ पे श्रीराम से याद रखिएगा, दे डू नॉट नीड टू बी रिफ्रेश अगेन एंड अगेन. डायनामिक वी हैव टू रिफ्रेश इट अगेन एंड अगेन. फॉर एग्जाम्पल दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड, इट रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट चेंज ऑफ एक्शन. और ये किससे बनता है, वी यूज कैपेसिटर्स. कैपेसिटर एक डिवाइस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कैपेसिटर्स जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के हैं, कैपेसिटर्स आर ऑल्सो स्टोरेज डिवाइसेस. इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की मदद से हम डेटा स्टोर कर सकते हैं. आया समझ में?
ग्रेड अप अच्छा है इसलिए महंगा है? नहीं, बिल्कुल ग्रेड अप महंगा नहीं है, ग्रेड अप बहुत सस्ता है, बट तब भी ग्रेड अप अच्छा है। ठीक है, याद हुआ? एनी डाउट? सो आई होप आपको रोम अच्छे से समझ में आ गया, आपको रैम अच्छे से समझ में आ गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड वॉट इज पी रोम, ई रोम, डबल ई पी रोम, एस रैम, डी रैम। सो क्विकली लेट्स सी वॉट एग्जैक्टली, जो डी रैम होता है इसका काफी लो कॉस्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग का और एक्सेस स्पीड भी कम होती है। सो जो धार्मिक रैम है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पावर लेता है क्योंकि उसको अपडेट करना पड़ता है, राइट? क्या क्या आजकल करंट कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, कौन सा नया मार्केट में चीज आई है, ऑल दीज थिंग्स। सो दैट इज, यस, यू स्टडी कैपेसिटर्स इन योर फिजिक्स एज वेल, यू स्टडी कैपेसिटर्स इन योर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी एज वेल। ठीक है, कैपेसिटर आपको जानने की जरूरत नहीं, इट इज जस्ट अ स्टोरेज डिवाइस। अभी के लिए इतना जान लीजिए, इट हैज चार्जेस, कैपेसिटिव चार्जेस होते हैं, चार्जेस की मदद से यू स्टोर द डेटा, लाइक 0, 1, बेसिकली वोल्टेज होता है, लाइक हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज, यू स्टोर द डेटा। आगे समझ में, एस रैम कहां पे होता है? कैश में होता है। वेरी नाइस। सो फॉर अ मोमेंट आई विल गो एंड आई विल लेट यू सी द टेबल आराम से, एस रैम और डी रैम में अंतर क्या होता है। हियर SRAM में क्या होता है? ट्रांजिस्टर्स होते हैं। DRAM में क्या होता है? दिस इज DRAM, दिस इज SRAM। DRAM में कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है? कैपेसिटर्स आर नॉट यूज, हेंस नो रिफ्रेशिंग इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे कैपेसिटर होते हैं तो हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। SRAM इज फास्टर कंपेयर टू DRAM, DRAM प्रोवाइड स्लो, DRAM इज मोर स्लोअर। दे आर एक्सपेंसिव ऑफकोर्स बिकॉज यहाँ पे हमें बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, एंड डी रैम इज चीपर, ठीक है? इट इज यूज टू मेक कैश मेमोरी, एस रैम मैं आपको बता चुकी हूँ, डी रैम इज मेन, इज यूज इन योर मेन मेमोरी। तभी मेन मेमोरी हमारी क्या होती है? वॉलेटाइल, हमें बार बार इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। बताइए, एनी डाउट? एनी डाउट? So this PPT, if you want, I can zoom it for you. ये लीजिए, ट्रांजिस्टर यूज होता है SRAM में, कैपेसिटर यूज होता है DRAM में, ठीक है? यहाँ पे रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे नहीं पड़ती। ओके, फाइन, ये लीजिए, हटा दिया। क्लियर है? एनी डाउट जल्दी से बताइए, क्लियर? थैंक यू सो मच मृंजल, नो इशू, यू कैन यू नो लिसन द वीडियो अगेन एंड यू कैन राइट वॉट एवर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, डी रैम वॉट इज मोर यूज वाली बात नहीं है, एस रैम इज मोर यूज इन कैश मेमोरी। डी रैम कहाँ पे यूज होता है? आपका जो मेन आप रैम यूज करते हैं, दैट इज योर मेन मेमोरी। नेक्स्ट इज योर सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? इट इज टर्म एज एन एक्सटर्नल मेमोरी एंड इट रिफर्स टू मल्टीपल स्टोरेज मीडिया, फॉर एग्जाम्पल जो कि आप अलग से लगाते हैं। इफ योर मॉम इज नॉट अवेलेबल, आई मीन शी इज नॉट हेयर एट अ पॉइंट, वो कहीं बाहर गई हैं, एंड स्टिल यू वॉन्ट टू वेंट आउट, यू वॉन्ट टू शेयर समथिंग गुड न्यूज और एनी थिंग, आप किस पे किसके पास जाते हैं? यू लुक अप टू योर फ्रेंड्स। आप सेकेंडरी सोर्सेज पे जाते हैं, सो हेयर दीज आर कॉल्ड एज वॉट? योर सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज। फाइन, क्लियर है? सो यस, सो आई विल ट्राई टू कवर सेकेंडरी मेमोरी, मे बी इफ यू से दिस लेक्चर और मे बी आई कैन टेक अनदर लेक्चर, बिकॉज इट इज लिटिल लेंदी, क्योंकि इसमें हम मैग्नेटिक स्टोरेज पढ़ेंगे और ऑप्टिकल स्टोरेज पढ़ेंगे। हाँ, सो इसमें क्या है? मैग्नेटिक स्टोरेज, फर्स्ट इज मैग्नेटिक स्टोरेज। जो आप पुराने जमाने में देखते थे कैसा होता था मैग्नेटिक स्टोरेज, लाइक योर कैसेट, एक रील होती थी, वो गोल गोल घूमती जाती थी, राइट? सो हेयर व्हाटएवर डेटा यू आर स्टोरिंग, इट इज कोटेड, इट इज बींग स्टोर्ड ऑन अ डिवाइस दैट इज कोटेड विद अ मैग्नेटिक लेयर, ठीक है? उस पर क्या होता है? एक मैग्नेटिक लेयर होती है और उस पे अपना आप 0101 जो भी डेटा है वो इस पे स्टोर करते जाते हैं, एंड दैट इज इन दिस फॉर्म, लाइक दिस।
समझ में आ रहा है? सो बेसिकली बहुत पुराने जमाने का तरीका होता था, अब वी डू नॉट यूज इट. बिल्कुल लाइक दिस टेप रिकॉर्डर, यू कैन सी दिस पर्सन, ही इज इंसर्टिंग दिस मैग्नेटिक डिवाइस इनटू हिज कंप्यूटर. सो हियर दिस इज लाइक दिस, ये जो गोल गोल होता है, दिस इज योर मैग्नेटिक डिस्क. इसमें मैग्नेटिक कोटिंग होती है एंड यू स्टोर योर 01 डेटा हियर. नेक्स्ट कम्स योर फ्लॉपी डिस्क. फ्लॉपी डिस्क भी मैग्नेटिक से कोटेड होता है. फ्लॉपी इज नॉट सेम एज ऑप्टिकल डिस्क. ठीक है, दो प्रकार का होता है. इसमें इफ आई डिवाइड सेकेंडरी स्टोरेज, इफ आई डिवाइड सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज. ठीक है, प्राइमरी हमने रैम रोम कर लिया, सेकेंडरी में करूंगी तो एक होता है ब्रॉड कैटेगरी मैग्नेटिक स्टोरेज, एक होता है ऑप्टिकल स्टोरेज. लाइक दिस, जो आप अभी यूज करते हैं रंग बिरंगी सीडीज एंड ऑल, दैट इज ऑल योर व्हाट, ऑप्टिकल स्टोरेज. इसमें ऑप्टिकल लाइट की मदद से डेटा स्टोर होता है. वी स्टोर द डेटा यूजिंग द लेजर लाइट और द ऑप्टिकल लाइट. बट हियर मैग्नेटिक डिस्क इंक्लूड्स योर फ्लॉपी, दैट इंक्लूड्स योर मैग्नेटिक ड्राइव और योर हार्ड डिस्क ड्राइव. ठीक है, हाँ, ये सारा मैं मैग्नेटिक बता रही हूँ. एवरीथिंग इज रिगार्डिंग योर मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस. सो फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है, इट इज द ओल्डेस्ट डिवाइस. ये सबसे पुराना डिवाइस है. इसमें प्लास्टिक के कवर में होता है एंड द मेमोरी द कैपेसिटी इज 1.44 MB. फाइन, नाउ डेज वी डोंट यूज फ्लॉपी. ये फ्लॉपी है, अब हम फ्लॉपी यूज नहीं करते. अनदर इम्पॉर्टेंट इज वॉट, हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने देखा है हार्ड डिस्क, ये you can see this image on the board. For example, this consists of various disk. ये भी एक प्रकार का secondary memory device होता है. And you store the data here. Hard disk में क्या होते हैं, sectors होते हैं, like this. Your whole hard disk is divided into sectors. For example, आप किसी घर में रहते हैं, ठीक है, आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, तो वहां पे सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी, एंड दैट पर्टिकुलर हाउस इज एक्सेस बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंटर. ये यू कैन सी दिस, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रैकर. इसकी मदद से जो भी आपको डेटा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इफ योर डेटा इज हेयर, इट विल पॉइंट हेयर. इफ योर डेटा इज हेयर, इट विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो दिस इज व्हाट योर हार्ड डिस्क ड्राइव. बताइए क्या है ये. सो प्लीज गाइज, जितना बचा है एक बार जल्दी से कर लेते हैं. सेकेंडरी स्टोरेज ऑल्सो आई विल क्विकली एक्सप्लेन यू. बाकी के क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन कि मैम ज्योग्राफी का क्या है, फिजियोलॉजी का क्या है, लेट्स नॉट फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स. क्लियर है, एम आई क्लियर? हाँ. सो ये ग्रामोफोन की तरह होता है, जैसे हमने पिक्चर में देखा करते थे पुराने जमाने की, राइट, वी यूज्ड ग्रामोफोन्स. सो उसी प्रकार का ये होता है. देयर आर सेवरल डिस्क प्लैटर्स, मोस्टली इन द बेसिक टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क. डेटा विल बी स्टोर्ड इन ईच डिस्क ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स कॉल्ड एज ट्रैक्स. द ट्रैक्स आर डिवाइडेड इन टू फर्दर सर्कल्स. द इंटरनल हार्ड ड्राइव्स आर नॉट वेरी मच पोर्टेबल कंपेयर टू द एक्सटर्नल वन. सो जो इंटरनल हार्ड ड्राइव्स होते हैं वो पोर्टेबल नहीं होते लाइक एक्सटर्नल वन्स. ऑल्सो इट टेंड्स टू मेक नॉइस. आपने कई बार देखा होगा आपके कंप्यूटर से आवाज आती है, ठीक है. सो जब आवाजें आने लगती है तो समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपकी हार्ड डिस्क में. सो हार्ड डिस्क कैन स्टोर अप टू न्यूमरस टेराबाइट. आपको पता है एक टीवी की भी हार्ड डिस्क होती है, और हार्ड डिस्क इज स्टिल चीपर देन योर सॉलिड स्टेट डिवाइस. एसएसडी से बहुत चीप होती है, ठीक है. फ्लॉपी भी मैग्नेटिक स्टोरेज होता है जो हम यूज नहीं करते हैं. फाइन, लास्ट कैटेगरी. हाँ, लास्ट कैटेगरी इज योर ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया. ऑप्टिकल स्टोरेज क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल योर सीडीज. दिस यू इंसर्ट अ सीडी इन योर लैपटॉप, है ना, तो इसको हम ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया बोलते हैं. वी आर यूजिंग लेजर लाइट टू स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, स्टोर इन अ स्पाइरल पैटर्न. एंड व्हाट, दीज आर नॉट मैग्नेटिक कोटेड एंड हेंस द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एंड यूज यूजिंग अ लेजर बीम. इंफॉर्मेशन कैसे होता है, लेजर बीम को यूज करके हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं. सीडी क्या होता है, इट बेसिकली यूज ऑप्टिकल रेज टू स्टोर द डेटा, रीड द डेटा एज वेल एज राइट द डेटा. इट इज अ सर्कुलर डिस्क, इट इज पोर्टेबल. सो हम कहीं पे भी सीडी को अपने साथ लेके जा सकते हैं. खास बात यही है, डाला, सुना, यू कैन एनी टाइम स्टोर समथिंग, यू कैन एनी टाइम फेच एनीथिंग. सो दैट इज ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस. ठीक है,
एनी डाउट्स? आई होप इट्स क्लियर. सो सीडी भी दो प्रकार की होती है, सीडी राइट एंड सीडी रीड राइट. दिस इज सीडी री, दिस इज बेसिकली रिकॉर्डेड और रीड ओनली. हम इसको सीडी को वी कैन डिवाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज. वन इज सीडी रोम, वन इज सीडी आर, अनदर इज आर डब्ल्यू. दैट इज यू कैन रीड ऑल्सो एंड यू कैन राइट ऑल्सो. हेयर यू कैन ओनली रीड. सीडी रोम, सीडी रीड एंड सीडी रीड राइट. थैंक यू सो मच. I hope even the people who are from computer science background are able to relate these basic concepts. Computer science वालों के लिए तो बहुत आसान होता है. This is very basic things. Fine. So this is basically the data can be recorded only once. Here it could be read and write multiple times. ROM क्या होता है? Once the data written in the disk, it cannot be changed. So basically it is what read only compact disk. एनी डाउट? सो द सीडी रोम हम हमेशा किसके लिए यूज करते हैं? फॉर ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो, गेम्स, इंसाइक्लोपीडिया एक्सेट्रा. वंस द डेटा कैन बी रिटन और रिकॉर्डेड, इट कैन नॉट बी इरेस्ड एंड हेयर इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर. यस. सो चलिए जल्दी जल्दी हम दो तीन और चीजें बची हैं, विल वाइंड अप एंड हेंस योर होल इंटायर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन विल बी डन. दूसरा क्या होता है? डीवीडी. डीवीडी भी इट इज अ सर्कुलर लाइक कॉम्पैक्ट डिवाइस एंड इट हैज सिमिलर टेक्नोलॉजी. सो डीवीडी इज ऑल्सो ऑप्टिकल. ठीक है, जैसे सीडी होता है वैसे डीवीडी होता है, बट इट इज मोर एफिशियंट क्योंकि डीवीडी में हम 15 गुना ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं. वी कैन स्टोर डेटा 15 टाइम्स मोर देन अ सीडी. सो इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? प्लीज रिमेंबर दीज कैपेसिटी. Please remember these capacities. They can ask you an examination. DVD की capacity कितनी होती है? 4.7 GB up till 17 GB. Fine? Any doubt? हाँ, last और सबसे important, very very important. In fact, I'll say very 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 important. क्योंकि ये आपसे NTA बहुत बार पूछ चुका है. Blu-ray disc. इसमें blue मतलब BLUE नहीं होता, blue color नहीं होता. इसमें BLU, that is the Blu-ray disc. ये जो नया टाइप का डिस्क है ये प्लास्टिक से बनता है एंड इट इज एक्चुअली अ वेरी हाई एफिशिएंट डिस्क इन विच वी यूज द ब्लू लेजर लाइट टू स्टोर द डेटा एंड हेंस इसकी जो कैपेसिटी होती है दैट कुड बी एक्सटेंडेड अप टू 128 GB. सो जस्ट इमेजिन 128 GB. बट प्रैक्टिकल मार्केटेबल पर्पस के लिए ब्लू रे की कैपेसिटी कितनी होती है? इट इज फ्रॉम 25 GB ऑन वन एंड. दोनों तरफ आप स्टोर करेंगे तो 50 GB. फाइन. सो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए द एवरेज कैपेसिटी इज 50 GB. बट इफ यू आर एक्सटेंडिंग इट, फॉर एग्जाम्पल ब्लू रे में भी अलग अलग वेराइटीज आती हैं. इसको किसने निकाला है? इसको ब्लू रे एसोसिएशन ने निकाला है. फाइन. सो आप में बहुत से बच्चे खेलते होंगे PS, PlayStation 3, PlayStation अब तो 5 आने वाला है, PlayStation 4. ये जो भी होता है सब कुछ स्टोर करने के लिए हम ब्लूरे डिस्क का यूज करते हैं, इवन योर Xbox. सो द मेन कैपेसिटी हेयर इज वॉट? द हाई कैपेसिटी ऑफ दिस ब्लूरे डिस्क. मतलब कितनी तक हो सकती है? 128 GB तक आप इसमें डेटा सेव कर सकते हैं. ठीक है. साइंस फ्लो. How optical device store data? They store the data using optical rays only, like light rays. उसके थ्रू आप 0-1 का आप स्टोर करते हैं. मैग्नेटिक में मैग्नेटिक की कोटिंग होती है. There is a coating of magnetic material. ठीक है. CD का स्टोरेज कितना होता है? ओके, आई विल टेल यू. CD could be of different storage, but basically DVD का स्टोरेज CD से बहुत ज्यादा होता है. क्लियर? इट इज लेस देन 4. Obviously, it is less than 4. So basically, 4 GB से कम होता है, but हाँ, DVD का 4 से लेके 17 हो सकता है. Exactly. So Blu-ray is more efficient than even DVD also. Then comes your solid state device, SSD. Solid state device. ये क्या होता है? They work on electronic circuits, and these devices use a special kind of memory to store data. And that memory is called as flash memory. Very very important. Flash memory को हम use करते हैं in solid state devices में data store करने के लिए. For example, your pen drives, your USB, your cameras. These are flash memories.
Cloud storage, okay. So Amit, cloud storage is a little different topic. Here we are talking about basically your computer memory. Cloud is a different concept जिसमें हम anyone can store the data, but I can take that in a separate class, but not this class. Fine. Last is your pen drive. पेन ड्राइव तो हम चलते फिरते यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल थम ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, जो छोटा सा पेन ड्राइव आता है, ठीक है, उसको हम एक यूएसबी कनेक्टर होता है विच कैन एक्चुअली कनेक्ट दैट पेन ड्राइव टू द यूएसबी पोर्ट. सो इस डिवाइस के साथ कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है. इनकी क्षमता सीडी से अधिक लेकिन हार्ड डिस्क से कम होती है. सो बेसिकली पेन ड्राइव इज मोर देन सीडीज बट लेस देन हार्ड डिस्क ड्राइव. दिस इज द हायरार्की. यस, इट डज, इट डज. चलिए, हाँ जी. सो बेसिकली दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी हैव डन प्राइमरी मेमोरी, वी हैव डन सेकेंडरी मेमोरी. आई होप यू विल रिमेम्बर इट, व्हाट एग्जैक्टली इज प्राइमरी मेमोरी, रैम, रोम, ठीक है, एंड सेकेंडरी मेमोरी इज एनीथिंग दैट वी अटैच इट. फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क ड्राइव, फॉर एग्जाम्पल सी डी, फ्लॉपी, ऑल दीज थिंग्स. क्लियर है? ऑल्सो रैम एंड रोम, रैम इज डिवाइडेड इन टू हाउ मेनी पार्ट्स? टू. RAM is divided into two categories. One is static RAM, one is dynamic RAM. Static RAM is basically we don't need refreshing. We use transistor. Dynamic RAM में we use capacitor and hence we need refreshing. धार्मिक RAM और श्री RAM ऐसे याद रख लेना, ठीक है? And also we studied what? Quickly revision. We studied your ROM. ROM कितने टाइप का होता है? You have PROM, you have EPROM and you have double EPROM. प्रॉम क्या होता है? बेसिकली एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं, सिमिलर टू योर प्रॉम नाइट, ठीक है. ईपीरोम बेसिकली इट कुड बी इरेज. इफ समथिंग इज देयर यू वांट टू इरेज, आप इरेज कर सकते हैं, बट यू शुड बी इरेजिंग इट यूजिंग योर यूवी रेज, 40 मिनट का एक्सपोजर. डबल ईपीरोम क्या होता है? आप इलेक्ट्रिसिटी से उसको इरेज कर सकते हैं एंड द टाइम ड्यूरेशन कुड बी एज स्मॉल एज 4 to 10 मिली सेकेंड्स. हाँ, सो मास रोम को अगर आप करेंगे तो दैट विल बी 4 रोम. If you include mass ROM also, ROM can be divided into 4 categories. But mass ROM are very, you know, they are not too much into fashion right now. But yeah, otherwise it you are right, it is 4. But हम broad categories इनकी 4 ही बोलते हैं, PROM, EPROM और double EPROM. ठीक है, चलिए. So this was all about the lecture. I hope you enjoyed this class. And you will revise it. If in case any doubt, you can ask me in the comment section. And of course, do let me know how did you like the session and kaisa laga aapko. Similarly, we can come up with more such theory topics, or we can make this thing in entire paper one more easy and you know more enjoyable for you guys. ठीक है. Thank you so much, guys, and thanks a lot for listening to the lecture patiently. We'll meet soon again day after tomorrow with another amazing session that will be of ICT based questions part 2. चलिए, till then take care, bye bye.